ये है हेलो इन्फिनाइट। हेलो इन्फिनाइट एक फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है जिसे कि 343 इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया और इसे पब्लिश करने वाले हैं एक्सबॉक्स गेम स्टूडियोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ही एक ओन स्टूडियो है। और ये गेम रिलीज़ हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी 8 दिसंबर 2021 को। और अभी फ़िलहाल के लिए इसका चल रहा है बीटा, जिसे कि ये लोग बोलते हैं टेक्निकल प्रीव्यू। और टेक्निकल प्रीव्यू के भी दो फेजेज हैं, जैसे कि ये फ्लाइट्स बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि इन फ्लाइट्स में हिस्सा लेने के लिए आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है 343 इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट पे, और आपको बहुत पहले अप्लाई करना पड़ता है, तब आपको इसका इनविटेशन मिलता है। हर एक किसी को इनविटेशन नहीं मिलता इसका, तो उसमें करना कुछ भी नहीं होता। हालांकि मैंने कभी हेलो खेली नहीं है अपनी लाइफ में, मैं फर्स्ट टाइम हेलो खेल रहा हूँ। और मेरे को कुछ नहीं पता था इस गेम के बारे में, लेकिन मैंने वो फॉर्म भरा और फॉर्म में मैंने क्लियरली लिख दिया था कि मैंने कभी हेलो खेली नहीं है, मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और उसके बाद वो मांगते हैं आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस, और जो कि विंडोज़ अपने आप ही ग्रैब कर लेता है आपके पीसी से, बस आपको वो एक परमिशन देनी होती है और कमांड प्रॉम्प्ट से। तो उसके बाद ये लोग चेक करते हैं कि आप एलिजिबल हैं इस फ्लाइट में हिस्सा लेने के लिए, फिर वो आपको इनविटेशन भेजते हैं। तो मेरे को ऐसे ही इनविटेशन मिला था इस गेम का। और अभी फ़िलहाल के लिए बहुत सारे लोग इस बीटा को खेल रहे हैं, जैसे कि टेक्निकल प्रीव्यू बोला जाता है। तो अभी जो फर्स्ट इसका प्रीव्यू, फर्स्ट फ्लाइट जो हुई थी, वो मेरे ख्याल से 1 वीक पहले हुई थी। और उसमें जो सर्वर थे मोस्टली अमेरिकन सर्वर ही थे, और जहाँ पे मेरे को 230 या 250 के अबव ही पिंग मिल रही थी। लेकिन फिर भी मैं उसको खेल रहा था और मेरे को मज़ा आ रहा था, क्योंकि गेम बहुत ही स्मूथ है, ये फास्ट पेस गेम है। और हो सकता है कि ये गेम कोड को रिप्लेस कर दे, हो सकता है ये गेम बिग बैटल्स में भी, बैटल फील्ड को भी टक्कर दे सकती है। हालांकि इसके मैप इतने बड़े नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे प्लस पॉइंट इस गेम का है, वो है इसके वेपन्स। इसके वेपन्स की इतनी वैरायटी है कि आपको, क्योंकि ये मॉडर्न शूटर है, मॉडर्न नहीं कहूँगा मैं इसे, कहूँगा कि फ्यूचरिस्टिक शूटर इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वेपन है वो इतने एडवांस वेपन बनाए गए हैं कि फ्यूचर आपको दिखा सकें कि फ्यूचर में ऐसे वेपन होंगे। तो अब उस लिहाज से देखा जाए तो वेपन्स की 3 तरह की कैटेगरीज बन जाती है। एक तो आपके हिट स्कैन वेपन्स हो जाते हैं, एक प्रोजेक्टाइल वेपन हो जाते हैं, और कुछ स्पेशल वेपन भी हैं, जैसे कि मेली है, ग्रेविटी हैमर टाइप। तो मतलब कि बहुत सारे वेपन्स हैं, आपको इतनी वेपन की वैरायटी मिलेंगी, यहाँ तक कि शॉटगन भी हैं, जो कि एनर्जी शॉटगन्स हैं, जैसे कि आप ओरिएंटेशन भी बदल सकते हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शूट कर सकते हो उसको, और डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के एनिमी को शूट कर रहे हो। और उसके बाद आपके वो कुछ एबिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि आपको ग्रैपलिंग हुक मिल सकती है, एक सोर्ड टाइप मिलती है जो कि आपको बहुत बूस्ट देती है, एनिमी को आप पुश कर सकते हो किसी लेज से, या खुद को पुश कर सकते हो, हवा में उछाल सकते हो। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक शील्ड मिल जाती है, उस शील्ड के पीछे खड़े होकर आप एनिमी को मार सकते हो, थोड़ी देर के लिए वो शील्ड काम करती है। तो ये चीज़ है स्पेशल चीज़ आइटम्स। उसके बाद आपको ग्रेनेड मिल जाते हैं, ग्रेनेड की भी बहुत सारी वैरायटी है इसमें। और ये तो हो गए इसके वेपन्स। और इसके अलावा इसमें आपको जो बिग बैटल वाली है, बिग टीम बैटल है, उसमें आपको व्हीकल भी देखने को मिल जाएंगे, और व्हीकल भी बहुत टाइप के व्हीकल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको 4 व्हीलर मिल जाएंगे, उसके बाद लेविटेशन वाले व्हीकल मिल जाएंगे जो कि हवा में लेविटेट करते हैं, और उसमें आपको कोई बम्स वगैरह नहीं देखने को मिलते, बड़ी स्मूथली चलते हैं, और सबके ऊपर वेपन माउंट होता है, और व्हीकल चलते हैं, और व्हीकल के स्पॉन होते हैं या फिर ड्रॉप होते हैं। तो जैसे ये ड्रॉप होते हैं या स्पॉन होते हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। और कुछ एक व्हीकल हैं जो कि सिंगल सवारी के लिए होते हैं, कुछ एक व्हीकल ऐसे हैं जिसमें आप 3 बंदे भी बैठ सकते हो, कुछ एक व्हीकल ऐसे हैं ड्रोन्स हैं, उसमें आप सिंगल बंदा बैठता है लेकिन हवा में उड़ सकते हो, एक तरह का हेलीकॉप्टर ही लगा लो, वो हवा में उड़ेगा और शूट करेगा, वो मिसाइल भी फेंक सकता है और शूट भी कर सकता है गन के साथ। तो और सबसे बड़ी बात, मैंने टैंक भी देखा भाई साहब, टैंक, इसमें टैंक भी है। इतनी बड़े मैप नहीं है इसके, लेकिन जिस हिसाब के मैप हैं बिग टीम बैटल, उसमें मैंने टैंक भी देखा है। यहाँ तक कि भाई साहब मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस गेम में मेरे को टैंक देखने को मिलेगा, मतलब व्हीकल की भी बहुत वैरायटी है इस गेम के अंदर। उसके बाद मैप्स देख लो आप, फ्यूचरिस्टिक मैप्स हैं, और जो इसके नॉर्मल मैप्स हैं जो कि मल्टीप्लेयर वाले 4v4 वाले मैप हैं,
उसमें आपको कुछ ज़्यादा बड़ा मैप नहीं देखने को मिलेगा, अरीना टाइप मैप होते हैं उसके, तो वो तो आपको पता ही होगा अरीना टाइप कैसे मैप होते हैं, कि 3 stacks टाइप मैप हो सकते हैं या 2 stack हो सकते हैं, जिसमें 2 इमारत हो सकती है, 3 इमारत हो सकती है। तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के मोड्स खेलने को मिल जाते हैं, जैसे कि CTF मिल जाएगा, कैप्चर द फ्लैग जिसे बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव होते हैं कि कुछ एक एरिया को होल्ड करके रखना होता है, उसके बाद आप डेथ मैच भी खेल सकते हो। बहुत सारे मोड्स हैं, इन्होंने मोड्स ही बहुत सारे बनाए हैं, अभी तो रिवील इन्होंने कुछ एक ही मोड रिवील किए हैं फिलहाल के लिए। और उसके बाद ये जो बड़े मैप्स हैं, जैसे कि ये बिग टीम बैटल में अभी ये मैप आप देख रहे हो, ये मैप बड़ा है और इसमें भी आपको ये सारे के सारे मोड खेलने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको एरियाज कैप्चर करने हैं और कंट्रोल पॉइंट्स बोल सकते हो उसे, और टोटल कंट्रोल बोलते हैं उसको। और उसके बाद कैप्चर द फ्लैग, वो तो है ही है, और उसमें आपको फ्लैग कैप्चर करना। और जो ये बड़ा मैप है, इसमें जो प्लेयर काउंट है वो है 24, यानी कि 12 vs 12, 12 vs 12 प्लेयर खेलने वाले हैं, और इंटेंस इतनी हो जाती है इसमें फाइट्स की, बहुत मज़ा आता है। और इसमें वेपन्स हैं, आपको जो पावर वेपन्स हैं उनको ग्रैब करने के लिए मैप से थोड़ा हट के जाना पड़ता है, कुछ एक वॉल्ट में होते हैं जो जो कि आपको एक्सेस करना होता है, फिर वहाँ से आप वेपन लेके वापस फाइट के अंदर आते हो। यही बहुत कुछ है इस गेम के अंदर, और मुझे लगता है कि ये कोड से बेहतर गेम है, मतलब कोड के जो वेपन्स हैं और उसके जो मैकेनिक हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। ये मेरे को एक नई चीज़ देखने को मिली है, और इसमें बहुत सारी इनोवेशंस इन लोगों ने की हैं वेपन्स में, व्हीकल्स में, मोड्स में, और काफ़ी काफ़ी कुछ है इस गेम के अंदर। और सबसे बड़ी बात, ये गेम होने वाली है फ्री टू प्ले, जो इसका मल्टीप्लेयर वर्जन होगा वो फ्री टू प्ले होगा, और इसका जो स्टोरी मोड वर्जन आएगा वो तो डेफिनेटली पेड ही होगा, और वो भी बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। वैसे एक शिकायत थी इसमें मेरे को, जो कि सर्वर की थी, वो पिछली फ्लाइट में मैंने बहुत ज़्यादा इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि जब आप 250 या 230 की पिंग पे खेल रहे हो तो आपके पास टाइम ही नहीं होता है एनिमी को मारने का, क्योंकि एनिमी जब तक आप उसको देखते हो वो आपको मार चुका होता है एक्चुअल में। तो कुछ एक सर्वर का ऐसा काम करता है कि जब आप एनिमी को देखोगे अपने यहाँ से, वो वहाँ पे एनिमी सर्वर अमेरिका में है, वो अगर अमेरिका वाला बंदा है तो आपको देख के मार भी चुका है, और आप अभी देख रहे हो बंदे को, और 1 सेकंड में आप मर जाते हो, तो यही कारण होता है। तो अब वो इन्होंने दूर किया, हालांकि इतनी अच्छी पिंग नहीं मिल रही थी इस फ्लाइट में भी, 170 की पिंग मिल रही है, लेकिन ये कम से कम 230 से तो बेटर ही है। और इतनी पिंग अच्छी होने के बाद उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब थोड़ा सा पॉजिटिव KD बन गई है, और इजी लग रही है थोड़ी सी गेम, और जो हिट्स हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं, पहले वो रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे। और कुछ एक चीज़ें हैं, कुछ एक बग्स वगैरह हैं मेरे ख्याल से उन्होंने फिक्स करने की कोशिश की है, कुछ एक इन्होंने स्टटरिंग के इशू थे वो फिक्स करने की कोशिश की है। ये जो गेम है पूरी की पूरी इस CPU के ऊपर बेस्ड गेम है, इसमें CPU का यूज़ होगा पूरा का पूरा, और अच्छा CPU होगा, अच्छे कोर्स वाला आपका CPU होगा, तो आप इससे बेनिफिट उठा सकते हो, इस गेम को अच्छी तरह रन कर पाओगे अगर आपके पास अच्छा CPU होगा तो। बाकी GPU है उसमें आपको इजीली 80 के अराउंड FPS मिल जाएंगे, मेरे को 75 मिल रहे थे, मैंने कैप किए हुए थे एक्चुअल में, मेरे भी 80 ही FPS आ रहे थे लेकिन मैंने कैप किए हुए 75 पे। तो वाकई मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने का, एक बार खेलना शुरू करता हूँ तो रुकने का दिल ही नहीं करता। हालांकि बिग टीम बैटल जो है ये तो और ज़्यादा एडिक्टिव लग रहा है मेरे को, और वेपन्स की वजह से, नए नए टाइप के वेपन्स की वजह से और व्हीकल्स की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है ये जो फाइट होती है, और काफ़ी हाई स्टेक हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि डेफिनेटली इस गेम को खेलना चाहिए, क्योंकि ये फ्री टू प्ले होने वाली है, और हो सकता है कि जब ये लॉन्च हो तो इसके इंडिया में, इंडिया के आसपास भी सर्वर देखने को मिल जाए। इस बारे में मैं वैसे श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी अभी तक इन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की है 343 इंडस्ट्रीज़ वालों ने, कि सर्वर कहाँ पे होंगे। तो डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं, इस गेम को बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को गेम, सब कुछ स्मूद है, कोई भी मेरे को कोई खास ऐसा कुछ गेम ब्रेकिंग कुछ ऐसा मेरे को देखने को नहीं मिलेगा, कोई ऐसा बग। हाँ डेफिनेटली कई बार क्रैश होती रहती है बीच में गेम, और दूसरी बात यह है कि ये फुल स्क्रीन में नहीं खेल पाते हैं हम इसे, ये मेरे ख्याल से गेम जो चलती है वो बॉर्डरलेस में चलती है, तो इस वजह से ये फ्रेम भी थोड़े से कम मिलते हैं इसमें FPS।
लेकिन एक बार ये बीटा फेज से निकल जाए, मेरे ख्याल से उसके बाद ये और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगी और ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस गेम को, क्योंकि अच्छे FPS मिलेंगे हमें। और डेफिनेटली मैं इस गेम को बहुत खेलने वाला हूँ। आई होप आप लोग भी इसे गेम प्ले को देखेंगे और इन्जॉय करेंगे और ट्राई करें एक बार। तो दैट्स इट, मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में किसी नई गेम के साथ। तब तक गुड बाय एंड हैव फन। A gift from the heavens is inbound. Banshee inbound. Not much ammo left, Spartan. You've won. Excellent work, Spartan. Total control. Hold all three zones to score. An ally is claiming a zone. An ally has captured a zone. Your team is close to total control. An ally has captured a zone.
Dynamo grenades obtained. Hostiles are capturing a zone. Eyes up! Ordnance dropping from orbit. Zone lost. Spike obtained. Zone lost. Your enemy is nearing total control. The enemy is capturing a zone. One of ours is capturing a zone. Zone lost. Zone lost. One of ours is capturing a zone. Your team is close to total control. An ally has captured a zone. A gift from the heavens is inbound. Your team is close to total control. An ally is claiming a zone. Your team has total control. You've got new zones incoming. Zones are ready for capture. An ally has captured a zone. Your team has total control. Drop wall acquired. You've got new zones incoming. One of ours is capturing a zone. New zones are ready for capture. Hostiles are capturing a zone. I see headshots in your future. One of ours is capturing a zone. The enemy has seized a zone. Your team is close to total control.
The enemy is capturing a zone. Machine guns suit you, Spartan. The enemy has seized a zone. The enemy is capturing a zone. Total control for the enemy. You've got new zones incoming. Ammo reserves depleting. An ally is claiming a zone. New zones are ready for capture. The enemy has seized the zone. Hostiles are capturing a zone. Enemy has seized a zone. Ground vehicle on route. The enemy is capturing a zone. Enemy has seized a zone. An ally has captured a zone. This zone is as good as ours. Hostiles are capturing a zone. Zone captured. It's yours. Now we keep it that way. An ally is claiming a zone. Your team is close to total control. Zone captured. Enemy has seized a zone. Machine guns suit you, Spartan. Hostiles are capturing a zone. Grapple shot obtained. New zones are ready for capture. This zone is as good as ours. An ally is claiming a zone. Zone captured. Your team is close to total control. A gift from the heavens is inbound.
The enemy has seized a zone. Hostiles are capturing a zone. This zone is as good as ours. The enemy has seized a zone. Zone captured. Let's see them try to take it from us. The enemy is capturing a zone. The enemy has seized a zone. How very surgical. Hostiles are capturing a zone. Beautiful shot, Spark. An ally is claiming a zone. They won't give it up without a fight. Your team is close to total control. Your team is close to total control. One of ours is capturing a zone. Hostiles are capturing a zone. Zone lost. Hostiles are capturing a zone. Wings en route. Has seized a zone. Zone captured. It's yours. Now we keep it that way. One of ours is capturing a zone. Your team is close to total control. Zone captured. Classic kill. An ally is claiming a zone. Eyes up! Ordnance dropping from orbit. Another victory, Spartan.